यहाँ पर हमारे सामने कुछ स्पीसीज दी गई हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज असमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रिया प्रदर्शित करेगी और कौन नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास है ClO- आयन, जिसे हम कहते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। उसके बाद है ClO2- आयन, जिसे क्लोराइट आयन कहेंगे। इसके बाद है ClO3- आयन, जिसे क्लोरेट आयन कहेंगे। और उसके बाद है ClO4- आयन, जिसे परक्लोरेट आयन कहेंगे। ये सभी क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों के संयुग्मी क्षारक हैं। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगी। जैसे कि हम जानते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया वे ही स्पीसीज या वे ही एलिमेंट या वे ही तत्व प्रदर्शित करते हैं जो कि कम से कम तीन या उससे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि जो क्लोरीन है वह भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। यह माइनस वन, शून्य, प्लस वन, प्लस थ्री, प्लस फाइव तथा प्लस सेवन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि इन स्पीसीज में इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह माध्यमिक होनी चाहिए तथा इनके विघटन से जो नए उत्पाद बनेंगे उनमें इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निम्न और उच्च होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं ये विघटित होकर कौन कौन से उत्पाद बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ClO- हाइपोक्लोराइट आयन। जब यह विघटित होगा तो यह बनाएगा Cl- तथा ClO3-। अब यहाँ पर हम देखें कि जो ClO- है इसमें क्योंकि क्लोरीन एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है माइनस टू, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर क्लोरीन के द्वारा ऑक्सीजन के केवल एक ही ऋण आवेश को संतुलित किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्लोरीन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इस तरह से यहाँ पर यह विघटित होकर Cl- बना रहा है जिसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी माइनस वन। साथ ही साथ यहाँ पर बन रहा है ClO3-। अब यहाँ पर हम देखें कि एक क्लोरीन परमाणु से तीन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और ये ऑक्सीजन के ऊपर एक ऋणावेश है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के तीन ऑक्सीजन के कुल ऋणावेश होंगे छः, लेकिन यहाँ पर एक शेष है। इसका मतलब है कि जो क्लोरीन है उसके द्वारा ऑक्सीजन के पांच ऋणावेशों को संतुलित किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्लोरीन प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो ClO- है, हाइपोक्लोराइट आयन है, वह जो अभिकर्मक पदार्थ है उसमें यह माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्था में है, जबकि Cl- में यह अपनी निम्न माइनस वन तथा ClO3- में यह अपनी उच्च प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ClO- आयन असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं ClO2-। ClO2- में यहाँ पर हम देखें कि क्लोरीन दो ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है तथा ऑक्सीजन के ऊपर एक ऋणावेश है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीजन के तीन ऋणावेशों को संतुलित कर रहा है और इस तरह से यहाँ पर इसके ऊपर प्लस थ्री आवेश होगा, यानी कि यह प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। अब जब यह विघटित होता है तो यह बनाता है Cl- तथा ClO3-, जिसमें हम जानते हैं कि Cl- में यह माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा ClO3- में यह प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि क्लोरीन प्लस थ्री से माइनस वन यानी कि निम्न और प्लस फाइव यानी कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है। तो यहाँ पर जो क्लोराइट आयन है वह भी असमानुपातन अभिक्रिया दे रहा है। इसी तरह से अब तीसरा उदाहरण हम लेते हैं, यहाँ पर है ClO3- आयन जो कि अपघटित होकर Cl- बनाता है तथा ClO4- आयन बनाता है। तो यहाँ पर हम जान चुके हैं कि ClO3- में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर प्लस फाइव है। यह विघटित हो रहा है Cl- में जिसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था माइनस वन है तथा यह बना रहा है ClO- जिसमें कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है और यह है प्लस सेवन। तो यहाँ पर भी हम देखें कि जो क्लोरेट आयन है वह भी असमानुपातन अभिक्रिया दे रहा है। अब बात करते हैं जो अंतिम आयन है यानी कि पर क्लोरेट आयन की। यहाँ पर हम देखें
परक्लोरेट आयन में क्लोरीन चार ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है और उसके ऑक्सीजन के ऊपर है एक नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्लोरीन प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, जो कि इसके उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है, और इससे अधिक उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था यह प्रदर्शित नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका और ऑक्सीकरण नहीं होगा, केवल इसका अपचयन हो सकता है, जिससे यह अपनी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करने के लिए एक स्पीसीज का ऑक्सीकरण भी होता है और उसी स्पीसीज का अपचयन भी होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि ClO4- में परक्लोरेट आयन में यहाँ पर चूंकि क्लोरीन अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, इसलिए यह और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं जा सकता और इसलिए यह असमानुपातन अभिक्रिया नहीं देगा। तो इस आधार पर हम भिन्न भिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को देखकर यहाँ पर इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का ज्ञात करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज असमानुपातन अभिक्रिया देगी और कौन नहीं। इसी प्रकार का एक और हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, साथ ही साथ उनके प्रकार भी हमें बताना है। तो पहली अभिक्रिया हम देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। तो जैसे कि सामान्य तौर पर हम यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में जुड़कर यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बना रहे हैं, यानी कि ये सीधे प्रथम दृष्टि में यदि देखें तो हमें दिख रहा है कि ये योग अभिक्रिया है, लेकिन क्या यह रेडॉक्स अभिक्रिया भी है? तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो नाइट्रोजन है क्योंकि यहाँ पर तात्विक अवस्था में है, और ऑक्सीजन भी यहाँ पर तात्विक अवस्था में है, क्योंकि उस यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक होता है कि योग करने वाले स्पीसीज में से कम एक अथवा दोनों अपनी तात्विक अवस्था में होने चाहिए। साथ ही साथ इसकी पुष्टि हम इनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों अपनी तात्विक अवस्था में है, यानी कि यहाँ पर इनका ऑक्सीकरण स्टेट जो है वह है जीरो। अब यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड जिसका सूत्र आप देख रहे हैं NO, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ऑक्सीजन अपनी -2 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा और इसलिए जो नाइट्रोजन है वह +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है, यानी कि नाइट्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन अपनी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से -2 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है, यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। चूँकि यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएँ हो रही हैं, इसलिए यह अभिक्रिया रेडॉक्स योग अभिक्रिया होगी। दूसरा उदाहरण यहाँ पर है दिया हुआ है लेड नाइट्रेट, यहाँ पर लेड नाइट्रेट अपघटित होकर लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन देता है। यहाँ पर इसका संतुलित समीकरण हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम देखें यदि लेड नाइट्रेट का ऑक्सीकरण स्टेट देखें तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट में लेड चूंकि धातु है और इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2, तो यहाँ पर लेड +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, ऑक्सीजन अपनी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि -2 में होगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि ऑक्सीजन के कुल यहाँ पर 6 परमाणु हैं और इस तरह से यहाँ पर कुल ऋणावेश हो जाएंगे 12, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उससे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। अब लेड ऑक्सीजन के जो 12 ऋणावेश हैं उनमें से 2 का संतुलन तो लेड के द्वारा कर दिया गया है, अब बचे जो 10 ऋणावेश हैं उनका संतुलन यहाँ पर नाइट्रोजन के द्वारा किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसलिए एक नाइट्रोजन पर +5 आवेश होगा, यानी कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है अपनी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। अब ये जो टूटकर लेड ऑक्साइड बना रहा है,
तो लेड ऑक्साइड में हम जानते हैं कि लेड पुनः अपनी प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था में है, जबकि ऑक्सीजन माइनस टू ऑक्सीकरण अवस्था में है। साथ ही साथ यहाँ पर बन रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पर भी हम देखें कि ऑक्सीजन माइनस टू ऑक्सीकरण अवस्था में होगी, और चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं इसलिए कुल ऋणावेश हो जाएगा चार, जिसे संतुलित करने के लिए नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था होगी प्लस फोर। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है जो कि अपनी तात्विक अवस्था में है, और यह इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होगा शून्य। तो ये पहले दृष्टि से हम देखें तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि लेड नाइट्रेट अपघटित हो रहा है, लेड ऑक्साइड बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है, जो कि स्वयं एक यौगिक है, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ ऑक्सीजन भी बन रही है जो कि अपनी तात्विक अवस्था में है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह एक रेडॉक्स अपघटन अभिक्रिया होगी, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखें कि यहाँ पर लेड के ऑक्सीकरण स्टेट में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वह माइनस टू स्टेट से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रही है, यानी कि इसका यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण। साथ ही साथ यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वह प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तित हो रही है, अतः यहाँ पर इसका हो रहा है अपचयन। तो यहाँ पर भी एक स्पीसीज का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे का अपचयन, इसलिए यह भी अपघटन अभिक्रिया तो है ही, साथ ही साथ यह रेडॉक्स अपघटन अभिक्रिया है। इसी के बाद हम लेते हैं तीसरा उदाहरण, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड की क्रिया जब हम जल से कराते हैं तो यहाँ पर बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो रही है। तो यहाँ पर देखने से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है जल में से, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह विस्थापन अभिक्रिया है, जिसे हम अधातु विस्थापन भी कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि सोडियम हाइड्राइड में सामान्य तौर पर जब हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो ये सोच लेते हैं कि यहाँ पर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी, लेकिन हम बता दें कि जब भी हाइड्रोजन धातुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है, धातु हाइड्राइड बनाया हुआ होता है, उस समय धातु ही, क्योंकि अधिक धन विद्युतीय गुण रखती है, इसलिए धातु ही यहाँ पर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, और इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पर माइनस ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। तो सोडियम हाइड्राइड में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी प्लस वन, जबकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी माइनस वन। जब इनकी जल से क्रिया होगी तो जल में हम जानते हैं ऑक्सीजन माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, जबकि हाइड्रोजन प्लस वन में। साथ ही साथ यहाँ पर बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पर सोडियम प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, क्योंकि यहाँ पर उनसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व ऑक्सीजन मौजूद है, और ऑक्सीजन यहाँ पर अपनी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि माइनस टू पे है। साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही है, और हाइड्रोजन तात्विक अवस्था में है, इसलिए यह इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वह होगी जीरो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन है वह माइनस वन स्टेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्लस वन यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि सोडियम हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन है वह यहाँ पर ऑक्सीकृत हो रहा है, जबकि यहाँ पर जल में उपस्थित जो हाइड्रोजन है जो कि अपनी प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है वह यहाँ से हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो रहा है, जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह है शून्य, यानी कि यहाँ पर जल में उपस्थित जो हाइड्रोजन है उसका यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया हो रही है उसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। इस तरह से यह अभिक्रिया भी रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, या जिसे हम कहेंगे रेडॉक्स अधातु विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद एक और उदाहरण हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की क्रिया जब हम क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो यहाँ पर हमें सोडियम नाइट्राइड प्राप्त होता है, सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, और साथ में जल बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था होगी प्लस फोर, क्योंकि ये दो ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है।
साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और सोडियम दोनों ही अपनी प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था में है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस टू ऑक्सीकरण अवस्था में है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें, हमें प्राप्त हो रहा है सोडियम नाइट्राइट, और सोडियम नाइट्राइट में हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था होगी प्लस थ्री, जबकि सोडियम नाइट्रेट में यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था होगी प्लस फाइव। साथ ही साथ यहाँ पर जल में हमें पता है कि ऑक्सीजन माइनस टू और हाइड्रोजन प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अभिकारक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसमें नाइट्रोजन अपनी माध्यमिक ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहा है, यानी कि प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि इनसे बनने वाले जो उत्पाद हैं सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट, इसमें यह अपनी प्लस थ्री और प्लस फाइव यानी कि निम्न और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर एक ही स्पीसीज का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और उसी स्पीसीज का अपचयन भी हो रहा है, जो दर्शाता है कि यह एक असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस तरह से हमें किसी भी प्रकार की अभिक्रिया या प्रश्न दिए जाएं, उन्हें हम ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर सही सही इनकी जो रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार हैं उनमें वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं के संतुलन करने की विधि। सामान्य अभिक्रियाओं की तरह ही रेडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन करने के लिए कुछ निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता है। यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, उनको संतुलित करने की दो विधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। एक है ऑक्सीकरण संख्या विधि, जो कि अपचायक की ऑक्सीकरण संख्या में होने वाले परिवर्तन पर आधारित है, तथा दूसरी होती है अर्ध अभिक्रिया विधि, जिसमें हम पूरी रेडॉक्स अभिक्रिया को पहले दो भागों में बांट लेते हैं, एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और दूसरी अपचयन अर्ध अभिक्रिया, और फिर दोनों ही अभिक्रियाओं का अलग अलग संतुलन करते हैं, और इसके पश्चात अंत में दोनों संतुलित अभिक्रियाओं को आपस में जोड़कर पूर्ण संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा किस प्रकार रेडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर हमें एक उदाहरण या प्रश्न दिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की सोडियम सल्फाइड से अम्लीय माध्यम में होने वाली अभिक्रिया, जिसमें कि क्रोमियम 3+ आयन तथा सल्फेट SO4 2- आयन बनते हैं, उस अभिक्रिया का नेट संतुलित समीकरण लिखिए। अब यहाँ पर इस जो प्रश्न दिया गया है, उसमें रासायनिक समीकरण का संतुलित करने के लिए हमें कुछ पदों का उपयोग करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर जो जो भी अभिकारक या उत्पाद बताए गए हैं, उनका हमें सही सूत्र लिखना होगा। जैसे यहाँ पर कहा गया है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो हम जानते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होगा K2Cr2O7। इसकी क्रिया हो रही है सोडियम सल्फाइड से, यानी कि Na2SO3 से, और यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है वह अम्लीय माध्यम में है। साथ ही साथ इसके पश्चात यहाँ पर Cr3+ आयन बन रहा है, यानी कि क्रोमियम 3+ आयन बन रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर SO4 2- आयन बन रहा है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से लिख देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट में पोटेशियम है और जो सोडियम सल्फाइड में सोडियम है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें न लिखकर जो हमारा ढांचा समीकरण होगा या जो आयनिक समीकरण होगा, उसमें हम सिर्फ आयनों को ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Cr2O7 2-, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों पोटेशियम हटा दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस SO3 2-, क्योंकि यहाँ से हमने दोनों सोडियम हटा दिए हैं, और इस तरह इज इक्वल टू हो जाएगा Cr3+ SO4 2-। तो इस तरह से हमें अपना जो ढांचा समीकरण है वह प्राप्त हो गया है। अब स्टेप टू, द्वितीय पद में हमें यह ज्ञात करना है, क्योंकि यह रेडॉक्स अभिक्रिया है तो इसमें किस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस तत्व का अपचयन हो रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो हमारे अभिकारक हैं, यानी कि यहाँ पर क्रोमेट आयन और सल्फाइट आयन में
क्रोमियम तथा सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रोमियम Cr2 यानी कि दो क्रोमियम है जो कि 7 परमाणुओं ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं। तो ऑक्सीजन के यहाँ 7 परमाणु हैं यानी कि कुल ऋणावेश हो जाएंगे 14, लेकिन इसमें से 2 ऋणावेश यहाँ पर शेष हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्रोमियम परमाणुओं के द्वारा ऑक्सीजन के 12 ऋण आवेशों को संतुलित किया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर 1 क्रोमियम प्लस 6 ऑक्सीकरण अवस्था में है। दूसरी ओर यहाँ पर हम सल्फाइट आयन देख रहे हैं, तो सल्फाइट आयन में 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं जिनका कुल ऋणावेश होता है 6, लेकिन यहाँ पर 2 ऋणावेश शेष हैं। इसका मतलब ये है कि सल्फर के द्वारा ऑक्सीजन के 4 ऋणावेशों को संतुलित किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर सल्फर प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दूसरी ओर यहाँ पर दिया हुआ है कि Cr3+ आयन बना रहा है, यानी कि क्रोमियम यहाँ पर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि यहाँ पर सल्फेट में हम जानते हैं कि सल्फेट में सल्फर अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है और यहाँ पर यह होगा प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो स्पष्ट है यहाँ पर क्रोमियम प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो क्रोमियम है उसका अपचयन हो रहा है, ये स्वयं अपचयित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यह एक ऑक्सीकारक की भूमिका में है। दूसरी ओर यहाँ पर सल्फाइट में जो सल्फर है वह प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यह सल्फेट में प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी कि यहाँ पर इसका हो रहा है ऑक्सीकरण और इसलिए यहाँ पर जो सल्फाइट है वह अपचायक की भूमिका में है। तो इस तरह से हम द्वितीय पद में ये जान लेते हैं कि किस तत्व का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। अब इसके बाद आता है तृतीय पद, स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें यह देखना है कि जो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है या कमी आई है वह कितनी है। तो यहाँ पर हम देखें कि क्रोमियम प्लस 6 से प्लस 3 में जा रहा है, इसका मतलब इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या में कमी आई है उसमें 3 की कमी आ रही है, जबकि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में यह प्लस 4 से प्लस 6 में जा रहा है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 की वृद्धि हुई है। तो अब हमें एक करना है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि और कमी हमने जान ली है उसके बाद इन्हें दोनों को बराबर करना है, क्योंकि हम जानते हैं जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीकरण क्रिया के दौरान जितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं अपचयन क्रिया में उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किए जाते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि और ह्रास दोनों बराबर बराबर होने चाहिए। तो अब यहाँ पर हम जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 की कमी आ रही है, तो यदि हम उसमें 2 का गुणा कर दें तो जो टोटल कमी होगी वह 6 हो जाएगी। इसी तरह से सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट में जो 2 की वृद्धि हो रही है उसे यदि हम 3 से गुणा कर दें तो कुल वृद्धि होगी वह 6 की हो जाएगी। यह वृद्धि हमें क्रोमियम और सल्फाइट आयनों के सामने यहाँ पर संख्यात्मक रूप में हमें लिखना होगा। तो यहाँ पर हमें क्रोमियम में दोनों तरफ अभिकारक में भी और उत्पाद में भी उसके सामने 2 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर हम देखें जो क्रोमेट आयन है Cr2O7 2-, तो यहाँ पर Cr2 पहले से ही 2 इसकी संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर 2 का गुणा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हम Cr3+ आयन है उसके सामने 2 का गुणा यहाँ पर कर देंगे। इसी तरह से सल्फर, यहाँ पर जो सल्फाइट आयन है उसके सामने भी हम 3 का गुणा करेंगे और जो सल्फेट आयन बन रहे हैं उसमें भी हम 3 का गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो दोनों ही ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और कमी को हमने बिल्कुल संतुलित कर लिया है। अब इसके बाद हम करेंगे जो हमारा जो अगला स्टेप होगा, और अगला स्टेप होगा यहाँ पर आवेशों का संतुलन करना। और आवेशों का संतुलन करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि अभिक्रिया किस माध्यम में हो रही है। यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में है तो
तो वहां पर हम आवेशों का संतुलन करने के लिए प्रोटॉनों यानी कि H+ आयनों का उपयोग करेंगे, और यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है तो वहां पर हम आवेशों का संतुलन करने के लिए OH- आयनों का उपयोग करेंगे। तो चूंकि यहां पर प्रश्न में भी हमने देखा था कि लिखा हुआ है कि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है, तो इसलिए यहां पर हमें आवेशों का संतुलन करना है वह प्रोटॉन जोड़कर। तो पहले हम ये जानेंगे कि जो अभिक्रिया जो है उसके बाईं ओर और दाईं ओर कुल आवेश कितने हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं जैसे कि सूत्र दिख रहा है आपको Cr2O7 2-, तो यहां पर आप यहां पर दो नेगेटिव चार्ज है, दूसरी ओर है सल्फाइट आयन, तो सल्फाइट आयन के ऊपर भी दो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन साथ ही साथ सल्फाइट के 3 मोल यहाँ पर उपयोग हो रहे हैं, तो यहाँ पर कुल आवेश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6-, और टोटल 2- और 6- दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पर बाईं ओर जो कुल ऋण आवेश हो जा रहा है वो हो गया 8-। दूसरी ओर हम दाईं ओर देखें तो यहाँ पर क्रोमियम Cr के ऊपर 3+ चार्ज है, साथ ही साथ इनके 2 मोल दिखाई दे रहे हैं यानी कि कुल धनावेश हो जाएगा 6+। दूसरी ओर जो सल्फेट आयन है तो सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सल्फेट के 3 मोल दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी जो ऋण आवेश हुआ वो हो जाएगा 6-, और इनको यदि हम जोड़ते हैं तो 6+ और 6- दोनों जुड़कर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर कुल आवेश जो हो जाएगा अभिक्रिया के दाईं ओर वह हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो बाईं ओर है वो 8 नेगेटिव चार्ज हैं जबकि दाईं ओर 0 चार्ज हैं। तो अब इस 8 नेगेटिव चार्ज को यदि हम कैंसिल कर दें तो यहाँ पर हमें दोनों तरफ 0 आवेश हो जाएंगे और आवेशों का संतुलन हो जाएगा। और हमने पहले ही बताया कि अम्लीय माध्यम में हमें जो संतुलन करना है आवेशों का वह H+ आयन जोड़कर करना है। तो यहाँ पर 8 नेगेटिव चार्ज है इसलिए हम अभिक्रिया में बाईं ओर यहाँ पर 8 प्रोटॉन H+ आयन लिख देंगे। तो इस तरह से जो 8- चार्ज 8 पॉजिटिव चार्ज से कैंसिल हो जाएंगे और दोनों तरफ आवेशों का संतुलन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो समीकरण प्राप्त हो गया है। अब इसके बाद जो अंतिम और पांचवा जो स्टेप है उसमें हमें करना है जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है उनकी संख्या को संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे ऑक्सीजन का संतुलन, और हम बता दें कि ऑक्सीजन का संतुलन जिधर अधिक ऑक्सीजन होगी उसका संतुलन करने के लिए दूसरी ओर हम उतने ही संख्या में जल के अणु जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि बाईं ओर कुल ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या देखें तो यहाँ पर क्रोमेट आयन में 7 ऑक्सीजन है तथा सल्फाइट आयन में SO3 में 3 ऑक्सीजन है, लेकिन साथ ही साथ इनकी संख्या कुल जो सल्फाइट आयन है वो 3 है, इसलिए टोटल ऑक्सीजन हो जाएंगे 9। और इस तरह से 7 और 9 कुल मिलाकर बाईं ओर जो ऑक्सीजन परमाणु हैं उनकी संख्या हो जाएगी 16। दूसरी ओर यदि हम दाईं ओर देखें तो यहाँ पर क्रोमियम के पास ऑक्सीजन नहीं है और जो सल्फेट आयन है उसमें 4 ऑक्सीजन है, साथ ही साथ सल्फेट के 3 अणु हैं, इसलिए यहाँ पर कुल जो ऑक्सीजन हो जाएंगे उनकी संख्या हो जाएगी 12। तो अब यहाँ पर दिख रहा है कि बाईं ओर 16 ऑक्सीजन है जबकि दाईं ओर यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है, और इसलिए दाईं ओर 4 ऑक्सीजन की कमी है, अतः इसे संतुलित करने के लिए हम दाईं ओर 4 जल के अणु जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें जो समीकरण मिलेगा वो हो जाएगा Cr2O7 2-3 SO3 2-8 H+=2 Cr3+ ion+3 SO4 2-ion+4 H2O। और यहाँ पर हम देखें जैसे ही हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं हाइड्रोजन का संतुलन स्वयं ही हो जाता है। आप देख सकते हैं बाईं ओर हमने 8 प्रोटॉन जोड़े थे यानी कि 8 हाइड्रोजन परमाणु हैं, जबकि दाईं ओर जैसे ही हमने 4 जल के अणु जोड़े तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 × 8 है। तो इस तरह से दोनों ओर हाइड्रोजन की संख्या भी संतुलित हो गई है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर संतुलित रेडॉक्स समीकरण प्राप्त हो गया है, और
यहाँ पर हम चाहें तो अब ये जो आयनिक अवस्था है जो रेडॉक्स अभिक्रिया की, उसमें हम निकाले गए जो तत्व हैं सोडियम पोटेशियम उनको भी जोड़ सकते हैं, तथा सभी जो स्पीसीज को यदि हम लिख दें तो हमें जो सूत्र प्राप्त होगा वो हो जाएगा, जो समीकरण प्राप्त होगा वो हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस 3Na2SO3, क्योंकि इसकी संख्या 3 थी और प्लस यहाँ पर अम्लीय माध्यम था इसलिए हमने लिया है 4H2SO4। 4 इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने 8 हाइड्रोजन जोड़े हैं और 8 हाइड्रोजन इसका मतलब है कि जो H2SO4 होगा उसके सामने H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, इसलिए सामने यदि हम 4 लिखें तो 8 हाइड्रोजन की पूर्ति हो जाती है। इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस 3Na2SO4 प्लस 4H2O। तो इस तरह से हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा और यह जो प्राप्त समीकरण है पूरी तरह से संतुलित समीकरण है।